हे फोक्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट ब्राउज़र्स के बारे में। गैज, आप सभी अपने फ़ोन पे इंटरनेट ब्राउज करते होंगे और आपको मतलब आप सारे पॉपुलर ब्राउज़र्स के बारे में जानते होंगे, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और आपका यूसी ब्राउज़र हो गया, और जैसे कि डॉल्फिन ब्राउज़र हो गया। इन सब ब्राउज़र्स के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे गाइज़। लेकिन मैं आपको एक ऐसे ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। और गाइज, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्राउज़र उन सारे ब्राउज़र से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है ब्राउजिंग के मामले में, और मैं इसका प्रूफ अभी आपको आगे दिखा दूंगा। सो गाइज, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और इस बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, मैंने कुछ ब्राउजर्स डाउनलोड कर लिए हैं जो कि टॉप मोस्ट ब्राउजर है और सबके फ़ोन में मिले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने ओपेरा डाउनलोड कर रखा है, क्रोम डाउनलोड कर रखा है, यूसी ब्राउज डाउनलोड कर रखा है, फायरफॉक्स डाउनलोड कर रखा है, और लास्ट में मैंने डाउनलोड कर रखा है पफिन। और गाइज, आप में से कुछ लोग इस पफिन को जानते भी होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द गाइज पफिन ब्राउजर को नहीं जानते होंगे, और आपने इसको प्ले स्टोर में देखा होगा और इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन गाइज, आप इस ब्राउजर को नहीं जानते, ये ब्राउजर बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट है। और जो लोग इस ब्राउज़र को जानते हैं यार, प्लीज़ तुम भी पूरी वीडियो देख लो, ऐसे मेरा वॉच टाइम बढ़ता है और मेरी वीडियो ऊपर रैंक करती है। तो अगर आप प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को ना ही छोड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप मतलब जैसे कि मेरा इंटरनेट तो अभी फास्ट वैसे है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दूंगा कि आपको उसमें भी थोड़ा सा टाइम डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक बड़ी वेबसाइट खोल के दिखा दूंगा जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा टाइम डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ओपेरा की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको सारे ब्राउज़र तो टेस्ट करके नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपको ही पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दो या तीन ब्राउज़र जरूर टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम ओपेरा ब्राउज़र में गूगल खोल लेते हैं, ठीक है। गूगल तो आप सब यूज़ करते होगे, तो गूगल अगर हम खोलेंगे तो आप देख सकते हो ये इसने अब जाके इसकी पूरी लोडिंग हुई है, ठीक है। और हम खोल लेते हैं अब क्रोम में गूगल। अगर आप क्रोम में गूगल खोलोगे, लेट मी चेक कि मैंने, हाँ ठीक है, हम क्रोम में गूगल खोल लेते हैं, google.com, और आप देख सकते हो कि हाँ अब जाके इसकी लोडिंग ख़त्म हुई है। और हम अब खोल लेते हैं, वैसे आप जानते होंगे कि फायरफॉक्स यूसी ब्राउज़र या क्रोम से थोड़ा सा धीरे चलता है, तो मैं फायरफॉक्स खोल के नहीं दिखाऊंगा। और वैसे तो मैं यूसी ब्राउज़र की बात ही नहीं करता हूँ, यूसी ब्राउज़र मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाउनलोड कर रखा है, यूसी ब्राउज़र मेरे फ़ोन में कभी नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा, और मैं आपको मतलब एक्चुअली पूरा इसका अल्टरनेट भी दिखा दूंगा। और आप एक इसका रीज़न ये भी है कि क्यों मैं अपने फ़ोन में यूसी ब्राउज़र नहीं रखता, वो ये है, आप देख सकते हैं इसमें जो थर्ड हेडलाइन है आपको दिख रही होगी, संबंध बनाने से पहले इन छह बातों, ये बकवास की जो न्यूज़ होती है, और ये आपके कई बार नोटिफिकेशन में भी आ जाती है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं नॉर्मली से यूज़ करता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो यूसी ब्राउज़र को यूज़ करते होंगे, तो आपको कहीं ये ना लगे कि मैंने यूसी ब्राउज़र को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो google.com हम इसमें भी खोल लेते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो कि लोडिंग में टाइम लगा है थोड़ा सा, या कह सकते हो कि सबके बराबर ही था लगभग टाइम। और मैं मोज़िला नहीं खोलूँगा गाइस, मोज़िला आप जानते होगे अगर आप मोज़िला के यूज़र हो तो, कि ये थोड़ा सा उन सबसे धीरे ही चलता है, ठीक है। तो अब बारी आती है आपके पफिन ब्राउज़र की, ठीक है। अब मैं आपको पफिन ब्राउज़र दिखा देता हूँ, पहले मैं इसकी सेटिंग्स में मैंने इसका जो व्यू है वो फ्रेंड वो मोबाइल फ्रेंडली की जगह कंप्यूटर वाला कर रखा है, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बस गाइस एक बार। हाँ, अब आप देख सकते हो, पहले मैं मोबाइल फ्रेंडली व्यू में दिखाता हूँ आपको गूगल खोल के, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी देर में खुलता है। गाइज, एकदम फ्लैश ब्राउज़र कैसे काम करता है, मतलब आपने वो बचपन में बोला ही होगा कि बस मतलब ओके किया और वेबसाइट खुल गई, और ये वैसा ही कुछ है, बस आपने ओके किया और वेबसाइट खुल गई, नो लोडिंग, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि इस वेबसाइट की लोडिंग हुई थी, ठीक है। और ये तो एक था, अब मैं आपको दो तीन इसमें वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, और आपको सब में नज़र आ जाएगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में। वैसे मेरा इंटरनेट फास्ट है, लेकिन अगर आप जियो के 1 GB यूजेस के बाद यूज़ कर रहे हो, और अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि ब्राउजिंग में कितना टाइम लग जाता है गाइस, और बहुत कभी कभी गुस्सा आने लग जाता है कि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। और लेकिन अगर आप उसको पफिन ब्राउज़र में ब्राउज़ करोगे तो गाइस टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी आप देख सकते हो कम से कम आपको 1 या 2 सेकेंड की लोडिंग दिखी गई होगी। और ओपेरा के बाद मैं आपको क्रोम में दिखा देता हूँ, क्रोम में अगर आप यूट्यूब खोलते हो तो क्रोम में आप खोलोगे, क्रोम में भी आप देख सकते हो लोडिंग में टाइम लग रहा है, इसमें 2 या 3 सेकंड आप कह सकते हो इसमें लग गया होगा। और YouTube के बाद हम Facebook खोल लेते हैं इसमें, Facebook.com
फेसबुक खोल लेंगे तो फेसबुक में भी आप देख सकोगे कि इसमें आपको नॉर्मल टाइम दिख ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग हो जाता है। अगर आप क्रोम में फेसबुक ब्राउजर क्रोम में फेसबुक यूज़ करते हो तो आप अगर आप पफिन में यूज़ करोगे तो आपको गाइस सीरियसली आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा पफिन और क्रोम का, ठीक है। और ये मेरे फ़ोन के फिलहाल अभी रोम की थोड़ी प्रॉब्लम है तो ये पता नहीं क्यों पफिन ब्राउज़र फोर्स क्लोज हो रहा है, लेकिन ये मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम है गाइस, आपके फ़ोन में बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर youtube.com खोल के दिखाता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि इससे अच्छा ब्राउज़र ब्राउजिंग के मामले में, डाउनलोड के मामले में नहीं बोल रहा हूँ गाइज़, आपको डाउनलोड के लिए मैं आपका ऑल्टरनेट बता दूंगा। फिलहाल डाउनलोड के मामले में यूसी ब्राउज़र सबसे फास्टेस्ट है डाउनलोड करने में, लेकिन मेरे पास उसका ऑल्टरनेट है इसीलिए मैं यूसी ब्राउज़र यूज़ नहीं करता हूँ और उसकी जगह मैं क्रोम और एडीएम यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर मैं एक दूसरी अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मैं आपको बता दूंगा कि आपको यूसी ब्राउज़र को बिल्कुल कैसे छोड़ देना है, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये आती है कि गाइज़ चाइना का, और दूसरा ये आपकी प्राइवेसी के साथ बहुत बड़ा गेम खेलता है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सही से बताने वाला हूँ। तो youtube.com आपको खोल के दिखा देता हूँ। youtube.com पे आपने जस्ट क्लिक करा और खुल गया। वैसे इसमें थोड़ा सा आपको लगा होगा कि टाइम लगा है, लेकिन नहीं लगता है गाइज़। मैंने इसको 5-6 बार ट्राई करा है ताकि मैं आपको मतलब ऑन द स्पॉट कुछ भी गलत ना दिखाऊँ, ठीक है। ये तो आपको फ़ोन की वेबसाइट में खोल के दिखा रहा हूँ, फ़ोन की वेबसाइट्स में आपको वैसे भी नॉर्मली टाइम लैग इतना 1 या 2 सेकंड का है, तो आपको खास कोई डिफरेंस तो नज़र आएगा नहीं, लेकिन अब मैं आपको असली दिखा देता हूँ, ठीक है। यूसी ब्राउज़र मैं अब नहीं दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि यूसी ब्राउज़र मैं आपको वैसे ही रिकमेंड नहीं करता हूँ। प्लस यूसी ब्राउज़र कोई ज़्यादा फास्ट नहीं चलता है यार, बस थोड़ा सा कॉम्प्रेस करने की वजह से वो आपकी जो इमेजेस की क्वालिटी उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर देता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपको फ़र्क नज़र आता होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई उसे होता है। मेरे हिसाब से क्रोम बेस्ट ब्राउज़र है हर चीज़ के मामले में, लेकिन अगर आप ब्राउजिंग के मामले में जा रहे हो तो आपके लिए पफिन बेस्ट है। तो मैं आपको क्रोम में अब दिखा देता हूँ डेस्कटॉप साइट। जब आप डेस्कटॉप साइट पर जाओगे तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा फ़र्क पफिन और आपका ये जो सेकंड ब्राउज़र है क्रोम। तो इसमें हम अपना चैनल खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि मेरा चैनल इसमें कितनी तेज़ लोड होता है और हमारे पफिन ब्राउज़र में कितनी तेज़ लोड होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब मैं असली कंप्यूटर वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो उसमें कम से कम 4 सेकेंड लगा होगा गाइज़, है ना, 4 सेकेंड तो लगा ही है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ पफिन ब्राउज़र का कमाल। देख रहे हो ये क्रैश हो रहा है मेरे फ़ोन में, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, ये मैंने नया नया इसमें सॉफ्टवेयर डाला है, कस्टम रोम डाल रखी है, इसलिए मेरे फ़ोन में क्रैश हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मली बहुत अच्छा चलता है और मैं अपने सारे फ़ोन्स में यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कोई क्रैश का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये क्रैश होते रहता है। अब मैं इसको डेस्कटॉप साइड कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पर अपना चैनल खोल के, और इसमें इस बार आपको 4 सेकेंड रुकने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये बस बेवकूफ़ बनाता है, बस लोडिंग दिखाता नहीं है, ये पूरी तरह लोड हो भी जाता है, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप इसमें कोई भी वीडियो चलाना भी चाहो तो वीडियो चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो आराम से आपको चलते हुए नज़र आ जाएगी यहाँ पे। इसमें कोई जैसे होता है कुछ ब्राउजर्स में आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं इसकी वेट अ सेक, मैं इसकी वीडियो थोड़ी सी कम ऑडियो बंद कर देता हूँ। तो गाइस ये था, यही था मतलब मेरे हिसाब से पफिन ब्राउज़र बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको एक ट्राई देना चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई दो गाइस, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। और इसमें आपको थिएटर मोड भी मिल जाता है ताकि मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप इसको डायरेक्टली ऑटो रोटेटेड देख सको, मतलब एज ए यूट्यूब का पूरा आपको फंक्शनैलिटी यहाँ पर मिल जाता है youtube.com पे। और भी अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट पर वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसा डायरेक्ट थिएटर मोड मिल जाएगा। और भी इसके अच्छे फ़ायदे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका डाउनलोड फास्टेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रोम से धीरे है, डाउनलोड भी इसका ठीक ठाक है, क्रोम से ज़्यादा धीरे तो नहीं है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, लाइक बाद में करना, ठीक है, और लाइक भी कर दो हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ डेली लाते रहते हैं। और आप यूसी ब्राउज़र यूज़ करना बंद कर दीजिए, उस वो क्यों करोगे वो हम अपनी अगली वीडियो बताएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और गाइज ये सीरियस इशू है, आपको यूसी ब्राउज़र बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी की बहुत तगड़ी लगा देता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, और अगर आपको डाउनलोड बेस्ट डाउनलोडिंग के लिए ब्राउज़र सजेस्ट करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा क्रोम और एडीएम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगेन लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को यार, और अगर कमेंट करो अगर आपको लगे कि मैंने कोई भी ऐसा ब्राउज़र छोड़ दिया जो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ है। वैसे मैंने मैक्सथॉन ब्राउज़र नहीं लिया, लेकिन मैक्सथॉन ब्राउज़र भी इतना तेज़ नहीं है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हैव अ गुड डे गाइज।